एवरी वन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल कैसे आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे uh, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि क्या हमें डी एस ओ लेना चाहिए आपने देखा होगा मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो डी एस ओ का इस्तेमाल करते हैं या कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हो सकता है कि डी एस ओ इतना यूज़फुल हमारे लिए ना हो तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैं आपको ना पहले तो ये बताने वाला हूँ कि जो हमारा मोबाइल फ़ोन है जो भी मोबाइल फोन्स हैं इसके अंदर कितने टाइप की क्लॉक्स बनती हैं उन क्लॉक्स के ना बनने से क्या फॉल्ट आता है और उन क्लॉक्स को कैसे डायग्नोसिस करते हैं और उन क्लॉक्स को चेक करने के लिए डीएसओ का यूज कैसे करते हैं तुम उम्मीद करता हूँ आप खुद डिसाइड कर लोगे कि आपको डी खरीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पहले तो क्लॉक का एक फ्लो चार्ट पढ़ाने वाला हूँ जिसमें मैं बताऊँगा कि कोई भी मोबाइल फ़ोन होता है उसके अंदर कितने टाइप की क्लॉक्स जनरेट होती है क्लॉक क्रिस्टल कितने टाइप का होता है क्या काम करता है और क्लॉक्स मिस होने से क्या क्या फॉल्ट हमारे मोबाइल फ़ोन में आता है इसके अलावा मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि इस डी का कैसे इस्तेमाल करते हैं और इस डी से कैसे क्लॉक को चेक करते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी आसान शब्दों में और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को तो मैं डी से क्लॉक्स को चेक करने के पहले मैं आपको एक तो ये तो बता दूँ कि क्लॉक्स होती क्या है और कितने टाइप की बनती है तो आपने मोबाइल फोन्स में इस टाइप के कंपोनेंट्स आपने देखे होंगे इस टाइप के स्टील का एक पार्ट देखा होगा ये जो आप देख रहे हो ना इसको हम बोलते हैं ऑक्सीटर क्रिस्टल क्रिस्टल ऑक्सीटर के नाम से जानते हैं और ये जो क्रिस्टल होता है ऑलमोस्ट आप जितने भी फोन देखेंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा ये नियर पावर आईसी, जैसे पीएम लगी है पावर आई इसी के पास लगता है मैं आपको एक और फोन में दिखाता हूँ यहाँ पे देखिए जैसे एक और फोन है वहाँ पे भी देखिए ये 26 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगा है तो ये एक क्रिस्टल होता है जो क्लॉक जनरेट करता है और आपके सीपीयू को और भी पूरे सेक्शंस को प्रोवाइड करता है अब ये जो क्लॉक क्रिस्टल होता है ना अगर आप मीडिया टेक फोन में देखोगे तो छब्बीस मेगा हट्स का ज़्यादातर यूज़ होता है एक्जाइनर सैमसंग में भी देखोगे तो छब्बीस मेगा हट्स का फिलहाल आ रहा है और जो क्वालकम के फ़ोन होते हैं नाइनटीन पॉइंट टू मेगा हट्स या थर्टी एट पॉइंट फोर मेगा हट्स का भी क्रिस्टल यूज़ होता है तो अलग अलग चिपसेट में क्रिस्टल की जो फ्रिक्वेंसी है जो आउटपुट है वो चेंज होता है अब मैं आपको ना एक फ्लो चार्ट दिखाता हूँ क्योंकि सर्किट खोलूंगा तो काफ़ी लंबा चौड़ा फिर होगा उतना छोटा सा मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि आ, बड़ा वीडियो हो जाने से आ, डेटा भी ख़त्म हो जाता है मोबाइल फ़ोन का और काफ़ी बड़ा हो जाता है इसीलिए मैं छोटे छोटे वीडियोज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो अब देखिए यहाँ पे मैंने एक फ़्लो चार्ट बनाया हुआ है जिसको जिसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं ये देखिए मैंने एक ना ये क्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट बनाया है ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए कि हमारे फ़ोन में क्लॉक्स कैसे जनरेट होती है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है तो देखिए हमारे फ़ोन में एक क्रिस्टल मान लीजिए मैंने लगाया है 19.2 पॉइंट का क्रिस्टल मान लीजिए क्वालकम चिपसेट है तो इसको एक 1.8 की इनपुट मिलती है पावर आईसी से और फिर क्लॉक्स बन के जाती है फिर से पावर आईसी में फिर पावर आईसी जो होती है इसके अंदर जब क्लॉक जाती है तो पावर आईसी इन क्लॉक्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है डिस्ट्रीब्यूट यानी देखिए पावर आईसी सी यहाँ पर एक क्लॉक बना के दे रही है जैसे बी बी क्लॉक इसको बोलते हैं बेजमेंट क्लॉक ये एकदम बिल्कुल कोर मेन क्लॉक है इसको एस ओ सी एक्सो के नाम से भी जानते हैं और ये जो क्लॉक है जीरो के रेजिस्टेंस के थ्रू नाइनटीन पॉइंट टू मेगा क्लॉक बन के सी पी यू पर जा रही है अगर बाई द वे ये रजिस्टेंस यहाँ से निकल जाए ये आपकी पावर आईसी के अंदर का जो क्लॉक सर्किट खराब हो जाए या फिर ये क्लॉक क्रिस्टल खराब हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में आपका फोन ऑन नहीं होगा उसी सिचुएशन में हमें क्लॉक चेक करना होगा जो मैं अभी आपको करके दिखाने वाला हूं कि कैसे आप क्लॉक को चेक करोगे तो इसी रेजिस्टेंस पे जब हम चेक करेंगे तो यहां पे आपको 19.2 की क्लॉक मिलनी चाहिए अगर यहां पे क्लॉक नहीं मिलती है तो या तो आपकी आईसी खराब है या क्रिस्टल ड्राई हो गया या खराब हो गया है इसी तरीके से हमारे फोन में से एक स्लीप क्लॉक निकलती है आपको पता होगा एक फोन में आर क्रिस्टल भी होता है वो 32.768 टू पॉइंट की फ्रीक्वेंसी बनाता है इसको बोलते हैं स्लीप क्लॉक ये भी सीपीयू को मिलती है इसके अलावा यहाँ पे देखिए इसी क्लॉक में से एक और नई क्लॉक बनती है जिसको बोलते हैं आर एफ एक्सो आपको पता होगा डब्ल्यू टी आर जो थी नेटवर्क आई सी इसको भी एक क्लॉक की जरूरत होती है और यहीं से वो डिस्ट्रीब्यूट होकर क्लॉक जाती है एक्सो इसको आर एफ एक्सो के नाम से बोलते हैं देखिए एक और क्लॉक निकल रही है ये जाती है क्लॉक डब्ल्यू सी एन हमारे जो जी पी एस वाई फाई सेक्शन को अब देखिए यहाँ पे एक और लिखा है क्लॉक एन एफ सी एन एफ सी कंट्रोलर आजकल जो फ्लैगसिप मॉडल में एन एफ सी आई सी आ रही है उसको भी क्लॉक मिलती है इसके अलावा ऑडियो आई सी को भी क्लॉक मिलती है तो ये क्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लेकिन अगर ये बीबी क्लॉक मिस हुई तो डेड हो जाएगा आपका फ़ोन बाकी जैसे मान लो कि आर एफ एक्स ओ मिस हो गया तो बेसमेंट अन हो जाएगा नेटवर्क सेक्शन में फॉल्ट आएगा लेकिन यहाँ पे मैं डेड सेक्शन के बारे में बात करूँ तो ये क्लॉक बननी बहुत जरूरी है बीबी क्लॉक ठीक है इसके अलावा ये मैंने एक छोटा सा सर्किट आपको दिखाया है लेकिन जब हम डेट सेक्शन स्टूडेंट को पढ़ाते हैं हमारे क्लास में तो हम बाकायदा बताते हैं कि आजकल कल सैमसंग के फ़ोनों में आपको क्लॉक आई भी आ रही है जो क्लॉक क्रिस्टल से बन के क्लॉक आई पे जाती है फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करती है सबको पावर आई पे नहीं जाती इसमें तो मैंने देखो क्लॉक का आउटपुट भी पावर आई में बना दिया फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है लेकिन आजकल के फ़ोनों में पावर आई में नहीं जाएगा ये क्लॉक आई अलग से लगाया है और उस क्लॉक आईसी के ख़राब होने से भी सेट डेड हो जाता है इसके अलावा अभी जो नए नए फोन आ रहे हैं Xiaomi के फाइव उसके अंदर क्या होता है कि एक क्लॉक क्रिस्टल लगा के कई टाइप की आउटपुट्स अलग अलग टाइप की क्लॉक्स भी डिस्ट्रीब्यूट होती है तो अभी नए फोनों में चीज़ें बदल रही हैं तो खैर वो आगे का चैप्टर है अभी मैं आपको बता दूं कि अब हम चलते हैं डीएसओ के थ्रू में दिखाता हूं कि इस रेजिस्टेंस पे या कोई भी फ़ोन हो जैसे कोई भी फ़ोन हो आप उसका सर्किट खोलो उसमें एक्सो लिखो सर्च मारो आपको बी बी क्लॉक मिल जाएगा एस ओ सी क्लॉक या एस ओ सी एक्सो या बी बी क्लॉक लिखो सर्च करो मिल जाएगा आपको और उसके ट्रैक में कोई ना कोई एक रजिस्टर या कोई पैरेलल में कैपेसिटर या कोई टीपी जरूर मिलेगा वहाँ पे आप उस क्लॉक को चेक कर सकते हो अगर ये क्लॉक नहीं बनी तो आपका सीपीयू पी इनिशलाइज नहीं होगा क्लॉक ना बनने के रीजन रेजिस्टेंस का ख़राब होना ट्रैक का टूट जाना पावर आईसी का ख़राब हो जाना और क्रिस्टल का ख़राब हो जाना ये सब रीजंस हो सकते हैं जिससे कि सीपीयू तक क्लॉक ना पहुँचे और आपका सेट ऑन ना हो तो चलिए फिर मैं देखता हूँ आपको डी एस ओ के बारे में बताता हूँ और क्लॉक को कैसे चेक करना है इसके बारे में बताने की कोशिश करता हूँ देखिए आज का जो एपिसोड है इसके अंदर मैं आपको आ, सिर्फ क्लॉक चेक करना बताऊंगा क्योंकि डी एस ओ का पूरा जो ट्रेनिंग है उसको देने में थोड़ा टाइम लगेगा तो आज मैं आपको सिर्फ क्लॉक चेक करके दिखाता हूँ कि कैसे क्लॉक को चेक किया जाता है लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ सेटिंग्स बता देता हूँ ठीक है मान लीजिए आप नया डी खरीद के मार्केट से लाते हैं ठीक है तो डी के जो ऊपर साइड में एक ऑन ऑफ स्विच होता है ठीक है हम यहाँ से डी को ऑन कर सकते हैं यहाँ से ऐसे मेरे पास यूनिटी का सौ मेगा का डी है ठीक है यूनिटी अब सबसे पहली सेटिंग्स क्या होती हैं सबसे पहले जब आप डी को ख़रीद के लाओगे तो आपके पास इस टाइप की दो केबल्स मिलेंगी इस टाइप की इनकी प्रोब्स होती हैं तो जो डी होते हैं देखिए यहाँ पे लिखा है चैनल वन चैनल टू तो दो चैनल्स होते हैं जिसमें आप एक साथ दो फ्रिक्वेंसी को इसके थ्रू चेक कर सकते हो तो सबसे पहले देखो जब नया डी आएगा तो यहाँ पर आप देखोगे एक ऑप्शन होता है यूटिलिटी का आपको यूटिलिटी पर क्लिक करना है और यहाँ पे सेल्फ़ एडजस्ट का ऑप्शन होता है इस पर क्लिक करना है और एक बार एग्जीक्यूट कर देना है ताकि ये जो डी एस ओ है कैलिब्रेट हो जाए और ध्यान रखना है कि ये जो तार है जब आप इसको सेल्फ़ एडजस्ट करेंगे तो ये तार यहाँ पे लगी नहीं होनी चाहिए तार निकाल के ही आपको सेल्फ़ एडजस्ट पे क्लिक करना है तो थोड़ा टाइम लेता है डी एस ओ और यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेता है इसके बाद ये एडजस्ट हो जाएगा थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं तब तक कई बार क्या होता है कि हम लेके आते हैं सेटिंग्स गड़बड़ हो रहती है या ऐसे यूज करते करते सेटिंग अगर मिसमैच होती है तो आप इस तरीके से इसको कैलिब्रेट कर सकते हैं तो बस हो गया 77 79 80 देखिए ये ऑलरेडी कैलिब्रेट हो चुका है अब दूसरा ऑप्शन यहाँ पे यूटिलिटी पे फिर क्लिक करना है और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है और एक बार आप डी को रीसेट भी करके देख सकते हो ये रीसेट यहाँ से कर दो ताकि पूरी सेटिंग सेट हो जाए इसको मैंने ओके कर दिया अब आपका डी ये रीसेट हो चुका है ठीक है अब ये फ्रेश है अगर कोई सेटिंग अगर इसमें कुछ गड़बड़ होती तो वो पूरा रीसेट हो चुका है अब मैं क्या करूँगा ये जो तार है ये जो तार है इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा देखिए चैनल वन चैनल टू तो अभी मैं चैनल वन यूज़ कर रहा हूँ तो इस तार को मैं यहाँ पे लगा के और इसको एक बार लॉक कर दूंगा ठीक है अब ये ये प्रोब आप जो देख रहे हैं ये आपका ग्राउंड है और ये मेन प्रोब है पॉजिटिव जिसको हम बोल सकते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोब का तो ये जो नेगेटिव वाला पॉइंट है हम इसको नीचे फंसा देंगे यहाँ पे और इस पॉजिटिव वाले से यहाँ पे क्लिक यहाँ पे टच करेंगे ठीक है वैसे यहाँ पे एक पॉइंट आता है लेकिन वो अभी मैंने निकाल रखा है और एक बार ऑटो पे क्लिक करना है आपको ये देखिए आप जैसे ही ऑटो पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो केवल आपकी सेट हो जाएगी वन किलो हट्स पे फ्रिक्वेंसी सेट हो जाती है इसको थोड़ा सा मिडिल में कर लेते हैं थोड़ा सा इस टाइप से ठीक है ये फ्रिक्वेंसी आपकी वन किलो हट्स पे सेट हो गई ठीक है आप देखिए ये जो डी है ना इसमें बहुत सारी चीज़ें चेक होती है प्रोटोकॉल्स चेक होते हैं डेटा लाइंस होती हैं काफ़ी टाइप की क्लॉक चेक होती है तो अभी आज के एपिसोड में मैं आपको क्लॉक के बारे में बताने वाला हूँ तो मैं आपको क्लॉक की ही सेटिंग आपको मेनली बताने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है तो देखिए जो क्लॉक होती है बेसिकली हम उसको इसमें दो मोड होते हैं जितने भी डी आप देखोगे ना उसमें दो मोड होता है एक डी मोड होता है एक ए मोड होता है तो बेसिकली हम जो क्लॉक्स होती है ना उसको हम एसी मोड पे चेक कर सकते हैं हालांकि डीसी मोड पे भी चेक हो जाता है लेकिन एक प्रॉपर वे होता है एसी मोड तो मैं आपको अब बताता हूँ सबसे पहले आपको क्लॉक uh, चेक करने की कुछ सेटिंग्स है मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले यहाँ पे चैनल पे जाइए मैंने क्लिक किया देखिए चैनल पे और यहाँ पे देखिए लिखा है कपलिंग डीसी तो ये यह यहाँ पे आपको एसी आप करोगे अगर सही वे देखा जाए तो एसी पे आप चेक कर सकते हो क्लॉक्स को लेकिन डीसी पे भी हो जाता है इसीलिए मैं अभी यहाँ पे डीसी ही रहन देता हूँ ठीक है पे मैं डीसी रहने देता हूं अब देखिए यहाँ पे लिखा है प्रोब प्रोब या नहीं होता है कि यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा प्रोब पे देखिए यहाँ पे तो प्रोब पे क्लिक करने पे 1X, 10X, 100X और 1000X आ रहा है तो ये जो प्रोब होती है ठीक है देखो यहाँ पे एक बटन स्विच दिया हुआ आप देखो ध्यान से तो ये स्विच के ऊपर साइड में वन एक्स है और नीचे साइड में टेन एक्स है देखिए यहाँ पे एक प्रोब है ये स्विच दिया हुआ है ये यहां पे 1x है और नीचे 10x है तो जब भी क्लॉक चेक करना हो आपको तो आप इसको नीचे कर लो 10x पे ठीक है तो यहां पे आपने 10x पे किया तो यहां पे भी जब जाओगे चैनल पे ना तो यहां पे भी आपको ना 10x ही सिलेक्ट करना है देखिए यहां पे ये मैंने 10x एक्स सिलेक्ट कर लिया देखिए और इसको ओके कर देना है आपको पहली सेटिंग तो ये हो गई कि इस प्रोप को आप टेनेक्स करो और चैनल पे जाके यहाँ पे भी टेन एक्स सिलेक्ट करो दूसरी सेटिंग इसके बाद आपको जाना है मेज़र पे यहाँ पे मेज़र पे मैं गया और देखो पहला ऑप्शन है चैनल वन का फ्रिक्वेंसी का तो आपको क्या करना है यहाँ पे जाना है ठीक है मेज़र पे और इस फ्रिक्वेंसी पे क्लिक करना है और इस फ्रिक्वेंसी पे क्लिक करके टाइम पे जाना है और फ्रिक्वेंसी पे सेलेक्ट कर देना है बस ठीक है तीसरी सेटिंग क्या करना है आपको फिर से एक बार मेज़र पे जाना है सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करना है वोल्ट पे जाना है नेक्स्ट करना है और मीन पे सिलेक्ट करना है दैट्स ऑल ठीक है क्लॉक चेक करने के लिए आपको यही सेटिंग करनी है पहली सेटिंग हो गई, आपकी प्रोब को सेट कीजिए दूसरा मेजर चैनल पे जाइए चैनल के अंदर जाके भी प्रोब को सेट कीजिए टेन एक्स पे तीसरा मेजर में जाके फ्रिक्वेंसी ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए और चौथा मेज़र में ही जाके सेकंड सेकेंड ऑप्शन में एवरेज पे क्लिक कीजिए यानी मेन पे क्लिक कीजिए अब ये आपका डीएसओ रेडी है क्लॉक को चेक करने के लिए ठीक अब कैसे चेक करना है क्लॉक को मैं आपको दिखाता हूँ देखिए तो सबसे पहले क्लॉक को चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये जो चार्जिंग जेक में ये चार्जर को ऐसे करके लगाना है आपको आप सबको पता होगा कि जो हमारा डेड फोन होता है जब हम चार्जिंग को लगाते हैं तो बीपीएच बनता है बक जनरेट होती है एल जनरेट होती है क्लॉक्स जनरेट होती है और सी ऑन होता है उसके बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो पी एस बन जाता है और पोर्ट आपका फ़ोन बना लेता है ठीक है तो अगर जैसे कभी क्लॉक चेक करनी हो कि डेट फोन है और उसकी क्लॉक्स प्रॉपर बन रही है कि नहीं कई बार क्या होता ना क्लॉक जैसे 19.2 मेगाहर्ट्ज़ का क्लॉक क्रिस्टल है वो बना नहीं रहा है प्रॉपर ड्राई है यह बन ही नहीं रहा है तो आपका सेट ऑन नहीं होगा तो अपन को क्लॉक अगर चेक करनी है कितनी क्लॉक बन रही है तो आपको सबसे पहले इस टाइप से ऐसे चार्जर लगाना है और इस फ़ोन को अपन ऐसे रख देते हैं यहाँ पे ठीक है और आपको सर्किट खोलना है और वहाँ पे बी बी क्लॉक या एस ओ सी एक्सो इस टाइप के कोड होते हैं उससे आपको पता करना है कि सी पी यू को जाने वाली क्लॉक की लाइन कौन सी है और उस लाइन में आपको रजिस्टर्स मिलेगी तो वहीं पे चेक करना है जैसे ये जो फ़ोन है ये 19.2 पॉइंट की क्लॉक जनरेट होती है बीबी क्लॉक तो इसको मैं चेक करके दिखाता हूँ इसके लिए मैंने ऑलरेडी सर्च कर रखा है ये वाली रजिस्ट्रेंस पे बनती है क्लॉक मतलब पावर ऐसी से क्लॉक बन के इस रजिस्ट्रेंस पे होके और फिर सीपीयू पे जाती है ठीक है अब मैं क्लॉक आपको चेक करके दिखाता हूँ तो मैं एक पिन को ऐसे ग्राउंड पे रखता हूँ देखिए यहाँ पे ये पिन ग्राउंड है और इस रजिस्ट्रेंस पे चेक करेंगे तो देखते हैं ये आप देख सकते हैं सामने कि ये क्लॉक जनरेट हो गई है और ऊपर आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी बन रही है 19.2 मेगाहर्ट्ज़ की क्लॉक जनरेट हो रही है आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको ये क्लॉक्स चेक करनी है तो आ, इस तरीके से आपने देखा कि आ, हमारे मोबाइल फ़ोन में क्लॉक का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है जैसे अगर नेटवर्क सेक्शन की क्लॉक अगर मिस हो जाएगी तो बेस्बे अन नोन हो सकता है नो सर्विस में फ़ोन जा सकता है बीबी क्लॉक अगर मिस हो जाएगी तो आपके फ़ोन में डेड हो जाएगा ऑन नहीं होगा या एन या आपका डब्ल्यू लेन वाली क्लॉक ओ डी आई वाली क्लॉक मिस हो जाएगी तो वो सेक्स काम नहीं करेंगे तो क्लॉक जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और अगर आप देखो एक मल्टीमीटर जैसे आता है एस आई बी एक सौ बीस एक्स आई एस या एक आता है मैकेनिक का उससे आप बाईस मेगा हट्स तक की क्लॉक चेक कर सकते हो तो जो छोटे फ़ोन होते हैं उसमें तो 19.2 मेगाहर्ट्ज़ का क्लॉक बनता है तो आप चेक कर लोगे लेकिन जो मीडिया टेक् चिपसेट है या एग्जाइनोस है आ, या फिर क्वालकम के जो फ्लैक्सिथ मॉडल है उसमें 38.4 मेगाहर्ट्ज़ तक की क्लॉक बनती है तो लगभग 40 मेगाहर्ट्ज़ तक की क्लॉक चेक करने वाला डिवाइस आपके पास होना चाहिए तो आ, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आ, अगर आप डीप लेवल पर रिपेयरिंग करते हैं तो आपको डी ले लेना चाहिए क्योंकि देखो ये डी का मेन मकसद क्लॉक से नहीं है आपने कई बार देखा होगा कि लाइट सेक्शन में बहुत फंसते हैं हम उधर पी डब्ल्यू एम नहीं बनती है तो पी डब्ल्यू एम को प्रॉपर चेक करना हो तो डी एस ओ का यूज़ कर सकते हो आई टू सी प्रोटोकॉल्स को चेक करना हो तो डी एस ओ का यूज़ कर सकते हो इसके अलावा और भी आर एफ एफ सी क्लॉक आर एफ एफ ई डेटा बन रहा है कि नहीं डी एस ओ का यूज़ कर सकते हो तो अगर आप डीप लेवल पर चिप लेवल पर काम करते हो तो डेफिनेटली आपको ज़रूरत पड़ेगी इसके अलावा और भी ऑप्शन है जैसे Uh, कुछ मल्टीमीटर्स आते हैं जिसमें आप क्लॉक्स 40 में घट सक चेक कर सकते हो आप वो भी जा सकते हो कंसीडर कर सकते हो तो अब आप डिसाइड करो कि आपको लेना चाहिए कि नहीं मैंने मेरे तरफ से मैं कुछ जितना बताना था मैंने बता दिया तो आई होप ये जो वीडियो आपको आपके लिए मैंने एक बनाया छोटा सा ये आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर हेल्पफुल होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा और मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो नया बैच है एक जून से स्टार्ट हो रहा है ऑफ़लाइन वाला तो अगर आपको ऑफलाइन किसी को भी अगर बैच ज्वाइन करना हो डीप नॉलेज लेनी हो इस्केमेटिक देखिए मैं इतने सारे वीडियोस रिव्यूज़ नहीं देता हूँ यूट्यूब चैनल्स पे क्योंकि हम लोग पास टाइम भी नहीं होता है और मुझे वो चीज़ पसंद भी नहीं है अगर आपको डीप लेवल पे अगर इस्केमेटिक की स्टडी करनी होगी यूफाई जेटेक या बी टेस्टर पे काम करना होगा और एक एक्चुअल रिपेयरिंग सीखनी होगी तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो हमारा जो इंस्टीट्यूट है बदरपुर दिल्ली में है नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद